कोरबा के सीएसीबी चौक से ध्यानचंद चौक तक फोरलेन सड़क किनारे उद्यान बना आकर्षण का केंद्र। दर्री मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित फोरलेन में कोहड़िया के समीप निगम द्वारा थीम बेस प्रोजेक्ट आधारित सुंदर गार्डन लोगों के मन को आकर्षित कर रहा है। देर रात्रि तक लोग परिवार समेत गार्डन पहुंच आनंद उठा रहे हैं। कोरबा दर्री मुख्य मार्ग पर नगर निगम द्वारा जिला खनिज न्यास मद से फोरलेन का निर्माण कराया गया है। कोहड़िया के समीप फोरलेन के किनारे थीम बेस प्रोजेक्ट आधारित सुंदर गार्डन निर्मित कराया गया है। निगम के तत्वाधान में निर्माण एजेंसी ने गार्डन को लुक देने के लिए बेहतर ढंग से कार्य किया है। रात्रि के समय गार्डन का लाइटनिंग सिस्टम उद्यान की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। वहीं उद्यान की क्लीनलेस ग्रीनरी व हिरण आदि वन्य प्राणियों की जीवंत मूर्तियां बरबस ही लोगों के मन को आकर्षित कर रही है। उद्यान में रंग बिरंगे फूलों के पौधे, मदार, परिजात के पेड़ सहित मोर कोरबा का लाइट युक्त आकर्षक व डिजाइनिंग प्रदर्शन बोर्ड गार्डन की सुंदरता को बेहतर लुक दे रहा है। गार्डन में बच्चों के खेलकूद के लिए चिल्ड्रन जोन समेत पाथवे, गार्डनिंग, ड्रिंकिंग वाटर आदि व्यवस्थाओं के साथ गार्डन को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया गया है। जैसा कि आपने देखा है कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो कम्प्लीट हो गया है, और उसके पास ये चीज देखा गया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन प्रकृति संबंधित चीजें नहीं थी, तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए केवल 20 दिनों के अंतर्गत हमने इस पार्क का निर्माण किया है, और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अच्छी लाइट की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ कोरबा को एक आइडेंटिटी के रूप में, मोर कोरबा के रूप में भी वहां स्थापित किया गया है, जिसमें बहुत लोग आके वहां पर सेल्फी के रूप में भी उसका उपयोग कर रहे हैं, और शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात है जिसमें पर्यावरण और को साथ साथ रखते हुए शहर के सौंदर्यीकरण पर बल दिया गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।